विक्रम सिंह, आप सबको एक समस्या आ रही है कि सर हमें अभी केमिस्ट्री कुछ नहीं आ रहा है और एग्जाम बहुत नजदीक है, हम क्या करें? तो मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम नजदीक जरूर है, पर अब भी आप में चांस है, आप में अब भी वो पोटेंशियल है कि आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। पर सवाल ये भी आता है कि कुछ बच्चों ने मुझे कॉल करके कहा है कि सर हमें कुछ भी नहीं आता है, सर हम कैसे करें, हम डर रहे हैं, हमने पूरा साल बर्बाद कर दिए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका मन में है कि उनको केमिस्ट्री नहीं आ रही है या वो केमिस्ट्री से भागते रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ एक बातें कहूंगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आप नीचे जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहां पे क्लिक करिएगा, वो सारी चीजें जिसको आपको पहले सीख लेना है, उसके बाद आपको केमिस्ट्री अच्छे से आएगा, इनकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि स्पेशल होता क्या है बातें कि हम वो सारी चीजें छोड़ देते हैं पढ़ने में या पढ़ाई करने में जिनकी जरूरत आपको पड़ती है। बात मेरी ध्यान से सुनिए, पहली बात, मेरी बातों को माने और सुने तो आप वो सारे क्वेश्चन भी आसानी से याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर सकते हैं जिनको समझने में आज तकलीफ होती है और जिनको याद करने में तकलीफ होती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको याद करने में या समझने में तकलीफ होता है, वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। और अगर ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से कर लिए या समझ गए तो आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगा। रियल में केमिस्ट्री बहुत सरल है, इनको याद करना बहुत सरल है, इनको समझना बहुत सरल है, पर कुछ तरीके हैं उनको करना जरूरी होता है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करके आप सोचते हैं कि हम एग्जाम पास हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन का आंसर, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर ये होता है और इनको याद कर ले हम ये लिख दें, ये पॉसिबल है। पर आप समझो, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको बनाने के लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर है, उनको बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, नामकरण है तो उनके कुछ नियमों को जानना जरूरी है, रिएक्शन करने के लिए कुछ बातों को जानना जरूरी है, केमिकल बॉन्डिंग जरूरी है। तो क्या क्या जरूरी है इसको पहले समझें। फर्स्ट जरूरत पड़ता है एक स्टूडेंट को कि वो है कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को याद रखें, कुछ तत्वों का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार को याद रखें, जिससे फायदा ये होगा कि आगे जाकर के आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। डरना नहीं है, आपको बात समझा रहा हूं। और ये सब कहां मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, और इस क्लास में एक छोटा सा क्लास जो कि आपको ये समझाने वाला है कि आपको करना क्या है। मैंने आपको कहा कि आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर हिंदी में कह दें परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, मोलार मास, ये चीजें पता होगा तो आपको पता चल जाएगा इसका यूज करेंगे हम, एटॉमिक मास का यूज करेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट में, मोल अवधारणा, और साथ में न्यूमेरिकल्स में, आंकिक प्रश्नों में, इनमें यूज करेंगे। बस एक छोटी सी चीज से आगे आपका जो स्तर है बढ़ते जाएगा। दूसरी बातें आती है कि एटॉमिक नंबर की बात आता है, एटॉमिक नंबर की बात आता है, एटॉमिक नंबर से आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, और इनसे आप जान पाएंगे केमिकल बॉन्डिंग, इनसे आप जान पाएंगे केमिकल बॉन्डिंग और साथ में जान पाएंगे इससे रिएक्शन, जो कि केमिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये कैसे कैसे संभव होगा, कैसे कैसे पॉसिबल होगा इन सारी बातों पे जाना, केमिस्ट्री पे पकड़ पाना, ये सब बातें
आपकी शुरुआत, तो सबसे पहले शुरुआत तो ये रखो। और इन सब के लिए उससे पहले की शुरुआत की बात कर दूं, आपको आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल याद रखना होगा। तो पहला काम करो आवर्त सारणी याद रखो। इसके बेस पर आवर्त सारणी याद करने का तरीका मैंने आपको दिए हैं, उन वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। अब आप बोल रहे हो सर अभी क्यों करा रहे हो यार, अब तो एग्जाम के लिए मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है, इंपॉर्टेंट आंसर याद करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर है वो याद करते समय जब तक वो समझ में आएगा ही नहीं, कैसे आप उसे याद रख पाएंगे? याद कर लेंगे, दो दिन बाद वो भूल जाएगा, क्योंकि दिमाग तब किसी चीज को रखता है याद जब उसके लॉजिक पता हो, जब उसका कारण पता हो। तो कहानी कहां से शुरू होती है? याद रखने से। एक होता है याद रखना और एक होता है उसके कारण भी पता हो तो याद रखने की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, वो याद रह जाता है। फिर अगर कहीं पे भूल रहे हो तो कुछ गलतियां हो रही हो, वो गलती सुधार हो जाता है। तो गलतियों के सुधार तभी हो पाएगा जब उसे आप जानते हैं। आप क्या गलत लिख रहे हैं, क्या सही लिख रहे हैं, आपको खुद को पता नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं? तो पहला कदम, आप अपनी आवर्त सारणी वाली बात को रिवाइज कर लीजिए, जिन बच्चों को याद है वो रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर इसी से हो जाएगा। और ये सब होने से, आवर्त सारणी से आपको क्या क्या मिल जाएगा आपको बता दें। मैंने पहले बता दिया एटॉमिक नंबर, इसको जेड से दर्शाते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, वैलेंसी, संयोजकता। फिर इसके बाद होता है संयोजकता, हो गया संयोजकता पता है तो फॉर्मूला, अणु सूत्र। फॉर्मूला को क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं हिंदी में, फॉर्मूला। किसी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने आ जाएगा, कंपाउंड का फॉर्मूला, कंपाउंड का फॉर्मूला अगर आप बनाने आता है तो आपको रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया भी बनाने आ जाएगा। ये बहुत सारी गुत्थियां आपको नजर आ रही है, इस गुत्थी को मैं खत्म कर दूं एक लेवल में, एक लिस्ट बना करके कि आपको किन किन चीजों को बनाने आना चाहिए और कितना आसान होगा। फिर उसके बाद फाइनल, आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं लास्ट में बताने वाला हूं कुछ एक ऐसा टॉपिक जिसको जानने से, जिसको पढ़ने से आपको कुछ सीखने का एहसास होगा, समझने का एहसास होगा। तो थोड़ा सा आगे देखें, चलिए। हेलो बच्चों, मैं विक्रम सिंह। अब पढ़ाई का समय आ चुका है, जितनी भी खेलना कूदना जितना भी था वो सब का टाइम निकल चुका है, क्योंकि अब ये समझे कि आपके एग्जाम बहुत कम टाइम बचा हुआ है और पढ़ाई को बहुत गहराई से पढ़ेंगे तब अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अब भिड़ जाइए अपनी पढ़ाई में, अच्छे से तैयारी में, एक एक क्वेश्चंस, एक एक प्रॉब्लम्स, एक एक टॉपिक सबको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम ये बोल के नहीं आता है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ये वाला नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि वही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। बस समझो, किसी कॉन्सेप्ट को यदि आप सही तरह से समझोगे तो बहुत ही बेहतर तरह से आप सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि एक एग्जाम क्रॉस करना हमारी पढ़ाई नहीं होती है। एजुकेशन का सिस्टम ये कहता है, 11th और 12th की पढ़ाई ये कहती है कि जो 11th और 12th में पढ़ते हैं वही आगे जाकर के आपके फ्यूचर में काम आते हैं, और 11th और 12th के एग्जाम में तो काम आते ही हैं। हमारे एग्जाम को बहुत कम समय बचा हुआ है और अब समय आ गया है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे से उन्हें समझ सकें। मैंने ऑनलाइन कोर्सेस लाए हैं केमिस्ट्री के लिए विद्याकुल.com में। यहां पर आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, डाउट लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट, एमसीक्यूज और टेस्ट होगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा विद्याकुल.com में। हमने और हमारे टीम ने आपके लिए बहुत अच्छे से कोर्सेस तैयार किए हैं और हम इसमें इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से मिल सके और हर एक टॉपिक आपको समझा सके। तो बच्चों, विद्याकुल.com में आ जाइए, वहां पर हमारे सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। मैं यहां पर एक प्लान बता रहा हूं कि आप इन सारी चीजों को अगर आप पहले कुछ कर लें, पहले से तैयार कर लें इन बातों पे, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक प्लान कर लो आप कि कैसे आप इस टाइम 95+ मार्क्स ला सकते हो। अगर आप देखो, अगर आप में ये कोशिशें होंगी तभी ये पॉसिबल होगा,
अगर आप ये सोच के चल रहे होंगे कि आप हो जाएगा देख लेंगे, तो आज से शुरुआत करो। लेकिन मैं आपको कहूंगा, अगर आप जीरो लेवल में हो तो आप एक काम करो, वो मुझे 10 दिन दो और 10 दिन के अंदर मैं आपको उस लेवल पे बना दूंगा जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं। पर 10 दिन आपको मुझे देना पड़ेगा। 10 दिन ऐसा दिन होगा जिसमें आप कुछ सीखेंगे, कुछ मेहनत करेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है कि ईमानदारी से मेहनत चाहिए, ईमानदारी से मेहनत चाहिए। यानी कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कैसे मेहनत करोगे कि आज आप में जोश आया कल ठंडा हो गया, परसों जोश आया फिर ठंडा हो गया, ऐसा नहीं। आज ठान लो कि आपको करना ही है, वो मार्क्स लाना ही है। तो इनके लिए मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरफ से मैं कैसे काम करता हूं ताकि मैं बेहतर से बेहतर करूं। थोड़ी सी लालच तो होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। डर को मैं भगा देता हूं, डर को छोड़ देता हूं। अगर डरूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, सो डर को छोड़ देता हूं। थोड़ा डर रहेगा इसलिए काम करते हैं, थोड़ी डर भी जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि आप डर के काम ही ना करो, यानी हाथ पर पकड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं चाहता। तो मेरे पास एक सिस्टम है कि सबसे पहले तो मैं कहूंगा ईमानदारी से मेहनत करोगे, मैं आपसे 10 दिन चाहूंगा, 10 डेज। और इन 10 दिनों में आपको करना क्या है और क्या मिलेगा, अगर आप चाहते हो ना, 10 दिन मैं चाहूंगा इसके लिए, बेसिक लेवल की जानकारी के लिए, उन बच्चों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो आज भी सोच रहे हैं कि मैं जब केमिस्ट्री पढ़ने जाता हूं तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या केमिस्ट्री मेरे समझ से बिल्कुल दूर की बात है, बस मुझे रटना है। तो अगर आप सिर्फ रटने से बचना चाहते हो तो आपको कुछ करना होगा। मैं कुछ बातें यहां पे बता दूं। सबसे पहली बात है कि आवर्त सारणी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। आप ये सोचते हो कि आवर्त सारणी आपके टीचर ने याद करवाए हैं या हमने याद किए, कोई यूज नहीं हो रहा है, तो आपको तो यूज होगा। और कैसे यूज होगा, मेरी वीडियो से पता चल जाएगा कि मैं अक्सर इस आवर्त सारणी या पीरियड टेबल के बारे में बात करता हूं। तो ये क्या देता है आपको, उसके बारे में थोड़ी बात बता दूं। छोटे छोटे 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट की वीडियोज हैं, उनसे आपको ये जानकारी पता चल जाएगी। सबसे पहली बात है कि आप एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है, कि वो जो तत्व है उसके टाइप के बारे में पता चल जाता है, कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा उपधातु है, मेटल, मेटलाइट एंड नॉन मेटल्स। ये अगर आपको पता चल गया है तो इसका भी यूज है। मेटल पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला एलिमेंट होता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है, ये साझेदारी करता है। मेटल्स जब भी कोई कंपाउंड बनाता है तो आयनिक कंपाउंड बनाता है। नॉन मेटल आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड बना सकता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बनाता है। जो धातु होते हैं, किस तरह के धातु कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, ये सारी जानकारी पीरियड टेबल आने से सबसे पहले तत्वों के प्रकार आपको पता चल जाएंगे और उन तत्वों के साथ आप खेल सकोगे। दूसरी बात होता है कि अगर आवर्त सारणी याद है, पता है, तो आप एटॉमिक नंबर इजीली आपको याद है हर एक एलिमेंट्स का। और एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा कि उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो, उन तत्वों के साथ, मैंने कहा ना, उस तत्वों के साथ खेल सकते हो। फिर अब बातें होती है कि उन तत्वों पर आवर्त सारणी याद है तो आप तत्वों का वैलेंस या संयोजकता एक थोक में आपको याद हो गया, होल में याद, होल सेल में याद हो गया, बल्क में याद हो गया, पूरे के पूरे एलिमेंट्स की आपको संयोजकता पता चल गया। तो संयोजकता के लिए यह जरूरी है कि आवर्त सारणी याद रखिए। संयोजकता निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी निकालोगे, जब पता होगा तब ना। तो अब चलो आगे की बात है, पेरियोडिसिटी। आवर्त सारणी याद हो तो पेरियोडिसिटी, यानी कि कौन सा तत्व बड़ा है, कौन सा तत्व छोटा है, एक दूसरे के साथ तुलना कर सकते हो, किस तत्व का आयनन ऊर्जा ज्यादा है, किस तत्व की आयनन ऊर्जा कम है, ये पता लगा सकते हो। कौन सा तत्व ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी विद्युत ऋणात्मक है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, दो एलिमेंट को एक साथ नजदीक लाते हैं तो एक दूसरे के साथ यदि बंध बना लिया तो कौन ज्यादा ताकतवर है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की, ये बता सकते हो। तो ये एक छोटी छोटी बातें आप समझो। तो ये क्या पता चला, पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी से क्या क्या पता चलता है, कि कौन अधिक धात्विक गुण रखता है, कौन कम धात्विक गुण रखता है, कौन अधिक अधात्विक गुण रखता है, कौन कम रखता है, किसका परमाणु आकार बड़ा है, किसका छोटा है, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है, किसकी कम है, क्रम में बता सकोगे, एक दूसरे के साथ तुलना कर सकोगे कि उन तत्वों को एक निश्चित ऑर्डर में जमाया गया है इसीलिए। सो एक जवाब मिल जाएगा। कहीं पे एक्सेप्शन होता है, कहीं पे अपवाद होता है, अपवाद भी क्लियर हो जाएगा, ये अपवाद क्यों आया। अगर ऐसा हो रहा है, परमाणु आकार घटना चाहिए इस तरफ, तो घटते 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 अचानक बढ़ गया, अपवाद हो गया, क्यों बढ़ गया, इसके लिए कोशिश करोगे। यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसका परमाणु आकार बड़ा क्यों हो जाता है,
अब आपको पता ही नहीं यार बड़ा होता है छोटा होता है, आपने रट्टा मार लिया तो कैसे आपको जवाब दे पाएंगे, इस बात को ध्यान रखो। फिर ये हो गया आवर्तिता के बारे में बात हो गई। केमिकल बॉन्डिंग जबरदस्त, इसके बगैर तो कोई बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन बेसिक जानकारी कम से कम होनी चाहिए। इसलिए मैंने पूरी बेसिक जानकारी वाले जो छोटी छोटी टॉपिक है उसको लेकर के मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, प्री बेसिक केमिस्ट्री। अक्सर मैं लाइव क्लास में बोलता हूं कि प्री बेसिक केमिस्ट्री कर लो, बच्चा करता नहीं है, फिर फोन करता है, थोड़ी देर में फोन आता है, थोड़ी देर में वो मैसेज करता है कि सर मैं क्या करूं मेरे को कुछ नहीं आता। अरे यार आपको कुछ नहीं आता तभी तो मैं बता रहा हूं कि कुछ करो, तब तो कुछ आएगा। मैं बोल दूंगा तथास्तु भगवान, आपको मैं देता हूं आशीर्वाद, आपका हो जाएगा, आप जाओ। ऐसे तथाकथित गुरु बहुत बैठे हुए हैं, है ना, मंदिर के सामने बैठे, मंदिर के बाहर बैठे, मंदिर में बैठे, मंदिर के बाहर बैठे। मैं मंदिर का उलाना नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझो, आप समझो इस बात को कि किसी गुरु और किसी के चक्कर में मत पड़िए, आप पढ़ाई के चक्कर में पड़िए, सही तरीके से पढ़ाई करिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या था कि आप इन 5 साल के मैं प्रश्नों को मैं बोलूंगा आप निकाल लो और उसको लिख लो और उसको याद कर लो, आप कर ही नहीं पाओगे, कोशिश कर लो, बहुत सारे प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, दिमाग से बाउंस हो जाएगा। तो बाउंस ना हो इसके लिए ये कुछ चीजें हैं, ये चिपकाने वाला च्युइंगम है, ये च्युइंगम है, जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आंसर है, उसको चिपकाने वाला च्युइंगम है, चिपका लेगा आपको और वो आंसर आपके दिमाग में चिपक जाएगा। सो इसके लिए जरूरी है इन बातों को, मैं बोल रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग की जानकारी, बेसिक जानकारी कम से कम हो, आयनिक बंध क्या होता है, कौन कौन सा एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड में कैसे बंध बनता है, उपससंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, वो कैसे बनता है, इस तरह से उपससंयोजी बंध क्या होते हैं, ये कैसे बनता है, ये अगर जानकारी बेसिक तौर पे हो जाए, फिर उसके बाद इन्हीं के अंदर की बात आता है कि इसी केमिकल बॉन्डिंग में आपको बहुत बड़ी चीज समझ में आने वाला है, वो है संकरण हाइब्रिडाइजेशन। अगर संकरण पता होगा तब जाकर के क्या कर पाएंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे पाएंगे, अणु की संरचना के बारे में जानकारी दे पाएंगे। तो ये केमिकल बॉन्डिंग से ही होकर के आएगा क्या, अणु की संरचना, तो अणु की संरचना अलग से कोई जानकारी नहीं, कहां से होगा, ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करती है ये बातें। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी गुत्थियों को कैसे करेंगे, मैंने कहा ना आप हल्के फुल्के रूप से लेंगे, जो जो बातें यहां पर मैंने बताए हैं, एक एक वीडियो लाइन से, एक वीडियो दो वीडियो करो, ईमानदारी से पूरी मेहनत करो। मैंने आपसे 10 दिन का टाइम मांगा है, उसमें 25 वीडियोस है, लेकिन शुरू के 10 वीडियो तो आप अच्छे से कर लो, फिर आपको मन बन जाएगा कि और कुछ सीखना है, फिर मन जम बन जाएगा और आपको सीखना है, तो एक एक करके आप सीखते जाओगे। कैसे वीडियो ओपन करना है, कैसे मेरे चैनल को ओपन करना है, कैसे इन सारी चीजों को चालू करना है, मैं इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो जरूर डालूंगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये बात आ जाएगा कि हाँ हमें इसी तरह से पढ़ना है, हमें इसी तरह से चैनल ओपन करना है, हम इसी तरह से पढ़ना है। अब बातें करूंगा मैं यहां पर कि रिएक्शन, अब बात होता है आवर्त सारणी पता हो जाएगा तो रिएक्शन कैसे हम बना पाएंगे, तो रिएक्शन की बेसिक जानकारी कैसे होगा, तो वो वीडियोस मैंने दिए हैं, यानी आपको छोटे मोटे रिएक्शन करने आना चाहिए। आवर्त सारणी पता है तो आप कर सकते हो, क्या चीज, रिएक्शन कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग पता है तो रिएक्शन कर सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हो, तो वो भी मैंने बेसिक तौर पर आपको बताया कि कैसे रिएक्शन कर लेते हैं। समीकरण संतुलित करना अब भी इतना मायने नहीं रखेगा आपके लिए, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, जब ये सारी चीज जान जाएंगे तो वो बैलेंसिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर बात आता है मोल, आप न्यूमेरिकल की तरफ जाना चाहते हो तो आपको मोल कॉन्सेप्ट की अच्छी जानकारी होगी। तो मोल कॉन्सेप्ट कहां से होगा, आपको बताया मैंने, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एटॉमिक नंबर की बात चल रही है, इसकी जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, तो मोल कॉन्सेप्ट में जाने से पहले एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी। कि मैं केमिस्ट्री का वो जानकारी दे रहा हूं, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे इसकी जानकारी दे रहा हूं, ये नहीं कि आप इतने मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं तो इस मार्क्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, ऐसा नहीं। मैं बोल रहा हूं कि उस क्वेश्चन को याद कैसे कर पाओगे ये बता रहा हूं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे वो बता रहा हूं। आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लूप्रिंट देख लो तो इनमें मेरे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो तो आपको सारे टीचर बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने से कैसे तैयार हो गए, वो डर तो जाएगा ही नहीं ना। मैं आपको बोलूंगा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200-300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट्टा मार लो तो डर तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक बात और होगा, मैंने 100 क्वेश्चन अगर मैंने आपको दे भी दिया है तो आपके मन में ये रहेगा क्या इसी में से आएगा सर, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा सर,
तो क्या मैं गारंटी दूंगा कि इतना ही क्वेश्चन आएगा? मैं कह रहा हूं कि जितनी उसके बाद जब ये कर लोगे ना, उसके बाद चाहे वो 50 क्वेश्चन हो, चाहे 100 क्वेश्चन हो, चाहे 1000 क्वेश्चन हो, चाहे 5000 क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन बनाने की आप में क्षमता आती जाएगी। लेकिन ध्यान रखो ये कुछ बेसिक चीजें पहले कर लो आप। फिर बोला गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको आज भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में, तो आपको तकलीफ तो होनी ही है, वो आप दूर कर सकते हो। फिलहाल इसके भी वीडियो यहां पर अवेलेबल है। फिर बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैंने कहा ना यहां पे कि अगर केमिकल बॉन्डिंग में जा रहे हो तो वहां पे संकरण सीखोगे, संकरण सीखोगे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये सब मिला करके ये सारी वीडियोस मैंने छोटे छोटे पार्ट में यहां पर दे दिए हैं। बहुत सारे ट्रिक है इस वीडियो में, आप इसको करिएगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक है इस जगह पे। अब बात कर रहे थे हम लोग कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर VVI क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये बात समझने वाली है। मैंने बताया वो, किसी और ने बताया वो, या आपने खुद सेलेक्ट किया वो? आप बोलेंगे सर हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पता ही नहीं ना कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैंने आपको साफ तौर पे बता दूं, 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, 8 साल का उठा लीजिए, 10 साल का उठा लीजिए, लगभग लगभग क्वेश्चन वही वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लिस्ट बन जाता है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। मैं तो आपको देने वाला हूं, मैं क्लासेस में दे रहा हूं आपको, और रेगुलरली आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, VVI दे रहा हूं आपको, आप उसके साथ भी रह सकते हैं। और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए, मार्केट में अवेलेबल है 5 साल के क्वेश्चन पेपर या 6 साल के क्वेश्चन पेपर का एक पूरी बुक, बुकलेट जिसको बोलते हैं अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर के नाम से, तो वो अवेलेबल है, वो आप उठा लें। ज्यादा से ज्यादा 40-50-60 रुपये या 100 रुपये मिलेगा। वो भी आपको बड़ा हेल्प करेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वो चैप्टर वाइज भी मिलते हैं, कुछ बुक्स अच्छे भी हैं जो चैप्टर वाइज आपको इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए दिया गया है। तो सॉल्व पेपर अनसॉल्व पेपर दोनों मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन सिखाते हुए पढ़ाऊंगा, लेकिन तब आप सीख पाएंगे जब आपके पास कुछ नॉलेज होगा। इसके नॉलेज के बगैर आप को कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा आपको समझ में नहीं आएगा। अब यही सीखने की अगर आपको आदत होनी चाहिए पहले, इसलिए आप में केमिस्ट्री की जबरदस्त ताकत पैदा करना है आपको, तो इस ताकत के लिए मेरे इन बातों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर अब बातें आती है कि क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो मिक्स होता है, मिक्स क्वेश्चन को पूरा करें उसको पढ़ें, यानी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को मैं कहीं अपने दोस्तों से या फिर अपने सीनियर से उठा के लाएं और उसको मैं बनाना सीखूंगा और पढ़ूंगा तो क्या मेरा नंबर अच्छा आएगा? बात समझो, बिल्कुल नहीं, वो तो समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर, और उसको याद भी कर लेंगे तो वो भूल भी जाएंगे। सो जो भी पढ़ाई करना है, अब एक छोटा सा क्रैश कोर्स की तैयारी करना है। क्रैश कोर्स है एक तरह का, मैं बता रहा हूं जो चालू करने वाला हूं, कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये समझने लायक पहले बनो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये जब भी पढ़ाई करें, जब भी कोई तैयारी करें, तो चैप्टर वाइज तैयारी करें। ये जरूर ध्यान रखो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये चैप्टर में 2 मार्क्स का चैप्टर है, ये 3 मार्क्स का चैप्टर है, ये 5 मार्क्स चैप्टर है, तो हम ऐसा कोई प्लान करते हैं कि 5 मार्क्स वाले को पहले पढ़ लें, फिर 2 मार्क्स वाले को लास्ट में पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, 2 मार्क्स गया तो क्या हुआ? आप इस बात पे ध्यान दो, मेरी टेक्निक ये कहती है, मेरे बच्चे 99% लाते हैं, कैसे लाते हैं ये मैं आपको अगर बताऊं तो इसके पीछे ये कारण है कि मैं उन बच्चों के दिमाग में ये बैठाता ही नहीं। उन बच्चों के दिमाग में ये बैठाता हूं कि कोई भी चैप्टर छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसका नॉलेज जरूरी है जो आगे जाकर के पढ़ाई में भी काम आएगा और इस टाइम भी काम आएगा। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, आप अपना थिंकिंग उठा सकते हो, अपनी सोच लगा सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि सारे लोग यही कहते हैं कि जो ज्यादा मार्क्स वाला है उस चैप्टर को पहले कर लो और ज्यादा से ज्यादा कर लो। भैया एक बात सोचो, जो कम मार्क्स वाला चैप्टर है वो तो छोटा है, ज्यादा टॉपिक नहीं होगा। जो ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है वो तो बड़ा है, उसमें ज्यादा टॉपिक होगा, वो तो और ज्यादा कठिन हो गया, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा उसके लिए। सो आप इस बात को सोचो कि लगभग सारे चैप्टर या सारे चैप्टर्स जरूरी है आपकी पढ़ाई के लिए, सब में से मार्क्स आते हैं, सब जरूरी है, इसलिए आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाइए पढ़ाई में और चैप्टर वाइज करिए। आप प्लान करो कि इस 2 महीने में 60 दिनों में कितना कितना मार्क्स के हिसाब से कितने कितने टाइम दोगे
वो प्लान करो और कितने घंटे दोगे। लेकिन सबसे पहला प्लान ये है कि आप मुझे ये बताओ कि क्या ईमानदारी से पढ़ोगे। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताओ कि क्या आपने ईमानदारी से पढ़ाई करने के लिए ठान लिए हैं। और जिन बच्चों का ये सब हो चुका है ना, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं। कहां पे जा सकते हैं? चैप्टर वाइज स्टडी करें, चैप्टर वाइज तैयारी करें, प्रिपेयरिंग करें, और साथ में उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको सॉल्व करें। अब टाइमिंग है ओनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको समझने का, उसको याद रखने का और अपना सेल्फ टेस्ट लेने का। और मैं बीच बीच में जो आपको टेस्ट लूंगा उस टेस्ट को आप पूरा करके मुझे जमा करोगे, मुझे दिखाओगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं सारी को सबको मैं ये रिप्लाई करूं कि आपने सही बनाया, आपने सही बनाया। मैं देखूंगा, एक रनिंग देखूंगा, क्योंकि यहां पर थाउजेंड स्टूडेंट का क्या आता है, पेपर आता है, तो सबको देख पाना भी बहुत मुश्किल टाइम होता है। तो हम एक तरह से लॉटरी जैसा देखते हैं कि इसका देख लिए तो उसको रिप्लाई कर दे, उसका देख लिए तो उसका रिप्लाई कर दे, तो कुछ कुछ का देख पाते हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25 स्टूडेंट का देख पाते हैं। तो जिस आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करके आप हमें भेजो, व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, तो इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग काम कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि क्या आप तैयारी शुरू कर दिए हो और शुरू करोगे आज से। और जिन बच्चों ने शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि यहां से करो। फिर इसके बाद क्या करें, इन्हें आप सर्च कर लीजिए, यहाँ पे जा करके आप सर्च करिए, विक्रम सिंह सर्च करोगे। देखिए, आप विक्रम हेप केमिस्ट्री भी सर्च कर सकते हो और विक्रम सिंह भी सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर विक्रम सिंह करके सर्च कर रहा हूँ, देखिए मेरा चैनल आ जाएगा। ये देखिए मेरे चैनल आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इस जगह पे विक्रम सिंह ना मेरा वाला फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक करेंगे। मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरा चैनल ओपन हो गया। इस चैनल को जब ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर मेरा फोटो मिल रहा है। और देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, क्लास 11th केमिस्ट्री, यानी क्लास 11th की सारी केमिस्ट्री दिखेगा आपको। देखो सबसे पहले देखो एक प्लेलिस्ट दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है प्री बेसिक केमिस्ट्री, फिर लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर 1 है। और देखो एक छोटा सा एरो दिख रहा है, अगर आप नीचे भी जाना चाहते हैं तो क्या कर दें, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे देखो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। सब्सक्राइब होने के बाद यहाँ पर बेल देख रहे हैं आप, इस बेल में दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट जो है वो लगा है मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं लगा है तो उस बेल को ऐसे दबा देंगे, जैसे मैं बेल को दबा रहा हूँ, तो ये देखिए अब ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसी ऐसा है। अब इसको दबा देते हैं तो अब इसमें से पूछ रहा है कि नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नॉन में लिख लीजिएगा, नन है, और उसके बाद अगर चाहिए तो ऑल में चाहिए, तो ये देखो ये आ गया। अब आपको हमेशा किसी भी तरह के हम आपको सूचना जारी करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि इसके बाद वाला वीडियो कहाँ पे मिलेगा, तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा नीचे की तरफ एरो दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ उसको क्लिक करेंगे तो देखो ये पहला वीडियो जो चल रहा है उसके उस पर क्लिक है। सेकेंड वीडियो देखना चाहते हो तो सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है, फिर सेकेंड वाला चालू है, फिर थर्ड वाला देखना चाहते हो तो थर्ड वाला आ जाएगा,